माय नेम इज़ लोकेश आलोने और आज का मेरा लेक्चर है सेलामेंडर लिम्ब रीजनरेशन पर, कि सेलामेंडर का लिम्ब कैसे रीजनरेट होता है और रीजनरेशन मींस क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में कवर करूँगा और सेलामेंडर से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आए CSIR नेट में, तो मैं एक लेक्चर ले आऊँगा जिसमें मैंने जितने भी डेवलपमेंट बायोलॉजी के लेक्चर्स बनाए हैं उनके ऊपर मैं एक क्वेश्चंस का लेक्चर लूँगा और उसमें सारे क्वेश्चंस को कराऊँगा। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली रीजनरेशन, रीजनरेशन मीन्स क्या होता है। रीजनरेशन इज़ द रीएक्टिवेशन ऑफ डेवलपमेंट इन द पोस्ट इम्ब्रियोनिक लाइफ टू द रिस्टोर मिसिंग पार्ट्स। मीन्स क्या होता है, रिस्टोर ऑफ मिसिंग पार्ट्स का, कोई भी मिसिंग पार्ट्स। मिसिंग पार्ट मीन्स क्या होता है कि किसी, जैसे कि एक हैंड, हैंड को अगर यहाँ से कट कर देते हैं तो ये एक मिसिंग पार्ट होता है और इस मिसिंग पार्ट का वापस से इस पूरे हैंड का फॉर्मेशन है ना। तो मिसिंग मिसिंग पार्ट का रिस्टोर होना, दिस आर द कॉल्ड ऑफ रीजनरेशन। द एबिलिटी टू रीजनरेट द एम्पुटेटेड बॉडी पार्ट्स ऑफ और नॉन फंक्शनिंग ऑर्गन्स है ना। एम्पुटेटेड मीन्स क्या होता है, कट। कट मतलब जो कट हुए हुए पार्ट्स है उनको वापस से रीजनरेट करना, एंड नॉन फंक्शनल ऑर्गन्स, नॉन फंक्शनल ऑर्गन्स का रीजनरेशन करना, दिस आर कॉल्ड एज द रीजनरेशन। रीजनरेशन का मीन्स, मीनिंग आपको अच्छे समझ में आ गया, रिस्टोर्स ऑफ मीनिंग्स पार्ट, रिस्टोर्स ऑफ मिसिंग पार्ट है ना। क्या है, रिस्टोर ऑफ मिसिंग पार्ट्स। रीजनरेशन डिफरेंट टाइप के होते हैं। रीजनरेशन जो होते हैं हमारे पास बहुत से टाइप्स के होते हैं। फर्स्टली जो होता है स्टेम सेल मेडिएटेड, स्टेम सेल मेडिएटेड रीजनरेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि एक सेल होती है जो कि स्टेम सेल की तरह वर्क करती है। स्टेम सेल मीन्स क्या होता है कि वो खुद की सेल्स को भी प्रोलिफरेट करती है और डिफरेंट सेल में भी डिफरेंशिएटेड होती है, डिफरेंट सेल में भी डिफरेंशिएटेड होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम सेल। यही स्टेम सेल से वॉल बॉडी का फॉर्मेशन होना, या फिर हम बोल सकते हैं कोई मिसिंग पार्ट का फॉर्मेशन होना, मिसिंग पार्ट का फॉर्मेशन होना होना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम सेल मेडिएटेड रीजनरेशन। और एक सेकेंड टाइप का होता है मॉर्फोलेक्सिस रीजनरेशन, मॉर्फोलेसिस री जनरेशन है ना। मॉर्फोलेसिस रीजनरेशन जो होता है ये मेनली किसमें होता है, हाइड्रा में। स्टेम सेल की बात करें तो स्टेम सेल मेडिएटेड रीजनरेशन काय में होता है, प्लेनेरिया में है ना, प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया एक स्पीशीज है जो कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है और हाइड्रा भी एक डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। ये काइनेडेरियन क्लास का मेंबर है। और मॉर्फोलेसिस रीजनरेशन मीन्स क्या होता है, वॉल बॉडी का, वॉल बॉडी रीजनरेशन टू द स्मॉल पीसेस ऑफ बॉडी, कि स्मॉल पीसेस ऑफ बॉडी से वॉल बॉडी का रीजनरेशन होना, दिस आर द कॉल्ड ऑफ मॉर्फ्लेक्सिस रीजनरेशन है ना। और एक टाइप का रीजनरेशन होता है जिसको हम बोलते हैं इपी मॉर्फ्लेक्सिस, मॉर्फ्लेक्सिस रीजनरेशन। एपिमॉर्फोलेक्सिस रीजनरेशन में क्या मीन्स क्या होता है, ये मेनली किसमें प्रेजेंट होता है, सेलामेंडर में, जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे सारा। सेलामेंडर का मैं एपिमॉर्फोलेसिस रीजनरेशन सारा कवर करूंगा, जिसमें कि क्या होता है, नाम से ही प्रेजेंट है। एपिमॉर्फोलेसिस, ईपी मीन्स क्या होता है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से मॉर्फोलेक्सिस मॉर्फोलॉजी का फॉर्मेशन होना, मीन्स क्या होता है कि जो लॉस्ट पार्ट है, लॉस्ट पार्ट्स, जो भी लॉस्ट लॉस्ट पार्ट है या फिर कोई कट पार्ट है, उसको इपिडर्मिस द्वारा सराउंडेड होने पर, एंड लास्ट इपिडर्मिस जो होती है ये सिग्नलिंग प्रोसेस से जो सेल्स होती है, मेजेनकाइम सेल्स होती है, इन मेजेनकाइम सेल्स को सिग्नल्स प्रोवाइड करना फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, फॉर द प्रोलिफरेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द मिसिंग पार्ट्स का, मिसिंग पार्ट्स का एंड रीजनरेशन ऑफ द पार्ट्स का, रीजनरेशन ऑफ इस मिसिंग पार्ट्स, दिस आर कॉल्ड एज द एपिमॉर्फोलेक्सिस रीजनरेशन है ना। एपिडर्मिस जो होती है सिग्नलिंग प्रोसेस करती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिसिंग पार्ट्स के लिए। तो ये तीन चार टाइप, तीन टाइप के जो रीजनरेशन होते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो रीजनरेशन मीन्स क्या होता है, रीजनरेशन मीन रिस्टोर ऑफ मिसिंग पार्ट्स। बट रीजनरेशन भी थ्री टाइप्स का होता है, कि एक तो फर्स्टली होता है स्टेम सेल मीडिएटेड, कि एक स्टेम सेल होती है
जो कि जो भी मिसिंग पार्ट्स है उन मिसिंग पार्ट्स के पास में जाकर और प्रोलीफरेट करती है, और प्रोलीफरेशन के बाद में वो पार्ट्स का फॉर्मेशन करती है। दिस आर द कॉल्ड एज स्टेम सेल मेडिएटेड रीजनरेशन एंड एक वन टाइप का। और ये स्टेम सेल मेडिएटेड रीजनरेशन किस में मिलता है? प्लेनेरिया में। अब हम बात करें सेकेंड टाइप का मोरफ्लेक्सिस रीजनरेशन, तो ये हाइड्रा में प्रेजेंट होता है। मोरफ्लेक्सिस मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ बॉडी, जो कि एक स्मॉल पीस ऑफ बॉडी का एक पूरी वॉल बॉडी का फॉर्मेशन करता है, जो कि हाइड्रा में प्रेजेंट होता है ना। एपिमोरफ्लेक्सिस जो सेलामेंडर में, जो इस वीडियो में हम देखेंगे सारा कुछ, तो एपिमोरफ्लेक्सिस मीन्स एपिडर्मिस से सिग्नलिंग प्रोसेस से मॉर्फोलॉजी का फॉर्मेशन होना या फिर मिसिंग पार्ट्स का फॉर्मेशन होना, ये रिस्टोर होना, दिस आर कॉल्ड एज द एपिमोरफ्लेक्सिस, है ना। तो आपको रीजनरेशन मीन्स सारा समझ सबको समझ में आ गया होगा कि रीजनरेशन मीन्स क्या होता है। अब एपिमोरफ्लेक्सिस, एपिमोरफ्लेक्सिस जो मैंने आपको अभी पीछे बताया, एपिमोरफ्लेक्सिस मीन्स इन द सम स्पीशीज एडल्ट स्ट्रक्चर कैन अंडरगोज डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन मीन्स क्या होता है कि एक सेल जो होती है, सेल्स उसके फैट के लिए डिफरेंशिएटेड हो जाती है, डिफरेंशिएटेड हो जाती है। जैसे कि मैं आपको एक बोर्ड पर समझाऊँ कि सेल्स, ये जो सेल्स होती है, अगर मैं एक जनरली बताओ तो समथिंग, अगर ये सेल्स है जो कि लेग का फॉर्मेशन कर रही है ना, एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि लेग का फॉर्मेशन कर रही है, एंड आफ्टर ये इसे अगर कभी हम कोई भी जगह पर, अगर कोई भी जगह पर डालते हैं, जैसे अगर ये लेग की सेल को अगर हम हैंड की सेल पर डालें, है ना, हैंड की सेल पर अगर डालें तो यहाँ पर भी लेग का फॉर्मेशन करेगी, है ना। जनरली एक मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको कि एक लेग की सेल है, अगर इस लेग की सेल को अगर हम जहाँ पर हैंड फॉर्मेशन हो रहा है, अगर वहाँ पर अगर इसको प्लेस करें तो वहाँ पर भी ये लेग का फॉर्मेशन करती है। बिकॉज क्यों? क्योंकि लेग की सेल है मतलब ये ऑटोनोमस सेल है ना, ऑटोनोमस सेल है। अब मैंने ये एग्जाम्पल क्यों लिया, क्योंकि क्या होता है जनरली एपिमोरफ्लेक्सिस डी डिफरेंशिएशन मीन्स कि ये सेल उसके फैट के लिए क्या है यहाँ पर, डिटरमाइंड है या फिर डिफरेंशिएटेड है। डिफरेंशिएटेड है मतलब ये ओनली लेग का फॉर्मेशन कर रही है, कहीं भी अगर प्लेस कर रहे हैं। ऑटोनोमसली सेल जो होती है ये डिफरेंशिएटेड सेल, डी डिफरेंशिएट मतलब क्या होता है कि इसको इसका फैट पता है कि मेरे को कौन से फैट में अपने कौन सा फैट मेरे को डिजर्व करना है। और अगर कभी इस डी डिफरेंशिएटेड सेल को, सॉरी डिफरेंशिएटेड सेल को डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन मीन्स क्या होता है, मीन्स उसको उसके फैट को, जो डिटरमाइंड फैट है उसके फैट को डी डिफरेंशिएट करना, मतलब कि वो वापस से स्टेम सेल का फॉर्मेशन करे। स्टेम सेल मीन्स कि वो प्रोलीफरेशन करे, प्रोलीफरेशन करे ना कि डी डिफरेंशिएशन करे, मतलब कि कोई लेग का मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स का फॉर्मेशन ना करे बल्कि वो प्रोलीफरेशन करे। तो इस सिग्नल्स को प्रोवाइड करना दिस आर कॉल्ड एज द डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन मीन्स सेल्स को प्रोलीफरेशन करने के लिए स्टिमुलेट करना, दिस आर द कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ। डी डिफरेंशिएशन मीन्स क्या होता है कि कोई भी सेल है, टारगेट सेल, ये टारगेट सेल को उसका जो फैट है उस फैट्स को अचीव ना करते हुए उसको ऐसी सिग्नलिंग प्रोवाइड करना कि उसको ओनली ओनली प्रोलीफरेट करना है। क्योंकि क्या होता है, जो डी डिफरेंशिएटेड सेल जो होती है ये प्रोलीफरेशन नहीं करती है ना। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसके फैट के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि उसको यही फैट बनाना है, तो वो प्रोलीफरेशन नहीं करेगी, वो ओनली उस फैट्स के अंदर खुद को ढाल लेगी। बट अगर बात करें हम डी डिफरेंशिएशन की, तो डी डिफरेंशिएशन में जो डिफरेंशिएटेड सेल है उसको वापस से प्रोलीफरेटिव जोन में लाना या फिर उसका प्रोलीफरेशन कराना, दिस आर कॉल्ड एज द डी डिफरेंशिएशन, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा डी डिफरेंशिएशन का मीन्स क्या होता है। इन द सम सेल एडल्ट स्ट्रक्चर कैन अंडरगो डी डिफरेंशिएशन टू फॉर्म अ रिलेटिवली अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल्स। मतलब कि एक मास है, मास ऑफ द सेल्स का, उसको वापस से डी डिफरेंशिएटेड करना। बिकॉज क्यों? उसको सिग्नल्स प्रोवाइड करना कि यहाँ पर एम्पुटेटेड हुआ है लिम्स, और इस लिम को वापस से रीजनरेट करना है, तो रीजनरेट करने के लिए तुम्हें प्रोलीफरेशन करना होगा, और प्रोलीफरेशन करके ही लिम्ब का फॉर्मेशन होगा, है ना। एंड आफ्टर जैसे ही हमारा प्रोलीफरेशन करके, जैसे लिम्ब यहाँ से एम्पुटेटेड हुआ, इतना पार्ट्स अगर बन जाता है, तो आफ्टर ये खुद को आफ्टर ये खुद को डिफ्रेंशिएट करती है फिर, कि ये इनको प्रोलीफरेशन नहीं करना, ओनली इस लिम्ब का आकार देना है, ठीक
डिफरेंशिएट मतलब क्या होता है, आकार देना, मीन्स उसके फेट को अचीव करना। तो स्टार्टिंग में डी डिफरेंशिएशन होता है, लास्ट में डिफरेंशिएशन होता है, एंड दिस मास ऑफ द सेल देन री डिफरेंशिएट टू फॉर्म द न्यू स्ट्रक्चर, एंड आफ्टर री वापस से डिफरेंशिएट हो जाती है और ये न्यू स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। सच द एपिमॉर्फोसिस इज कैरेक्टराइस्टिक ऑफ प्लेनेरिया फ्लैट वॉर्म रीजनरेशन एंड ऑल्सो रीजनरेटिंग द एम्फीबियन लिम्स। तो ये एम्फीबियन लिम्स के रीजनरेशन में भी इसी टाइप का रीजनरेशन प्रेजेंट होता है ना? आपको समझ आ गया होगा। अगर जनरली मैं आपको एक सिंपल भाषा में अगर बताऊं, तो जैसे ही हम, ये एक लिम्ब है, इस लिम्ब को अगर यहाँ से कट करते हैं, तो आफ्टर ये इस कट पार्ट के ऊपर इपिडर्मिस जो होती है बाहर से कवर कर लेती है। तो इपिमोर्फोलेक्सिस का मतलब क्या होता है? इपिमोर्फोलेक्सिस मतलब इपिडर्मिस जो होती है यहाँ से ग्रोथ करके कवर कर लेती है इस बाउंडेड को, मतलब यहाँ पर बाउंड फॉर्म हो जाता है, एंड बाउंड फॉर्म होने के बाद में इपिडर्मिस जो होती है कवर कर लेती है। तो इस इपिडर्मिस को आफ्टर कवरिंग ऑफ बाउंड देन कॉल्ड एज द बाउंडिंग इपिडर्मिस, है ना? बाउंडिंग इपिडर्मिस कहते हैं इसको। आफ्टर ये सिग्नलिंग देती है किसको? इन सेल को, जो कि डिफरेंशिएटेड सेल है, ये डिफरेंशिएटेड सेल है। तो इन डिफरेंशिएटेड सेल को सिग्नल्स प्रोवाइड करती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, कि इनको सिग्नल्स देती है कि तुम डी डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाओ, मतलब वापस से प्रोलिफरेटिव ट्यूब जोन का फॉर्मेशन करो। एंड आफ्टर प्रोलिफरेशन करके लिंब का फॉर्मेशन करो, लिम्ब का फॉर्मेशन करो। और जैसे ही हमारे पास लिम्ब फॉर्म हो जाता है, देन वो डी देन देन वो डिफरेंशिएट वापस हो जाती है, मतलब री डिफरेंशिएशन हो जाता है इसका। री डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो लिम्ब है, लिम्ब का शेप फॉर्म हो जाता है ना, लिम्ब का शेप फॉर्म होता है। इतना चीज समझ में आ गए होंगे आपको, इपिमोर्फोलेक्सिस का मतलब समझ में आ गया होगा। तो इपिमोर्फोलेक्सिस रीजनरेशन ऑफ सेलामेंडर लिम्ब। अब हम इपिमॉर्फोलेक्सिस रीजनरेशन सेलामेंडर लिम्ब जो मैंने आपको बताया वो थ्योरेटिकल में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। व्हेन एन एडल्ट सेलामेंडर लिम्ब इज एम्पुटेटेड, अगर हम किसी एडल्ट सेलामेंडर लिम्ब को एम्पुटेट मतलब क्या करना होता है? कट करना। अगर हम किसी एडल्ट सेलामेंडर लिम्ब को कट करते हैं, देन द रिमेनिंग लिम्ब सेल आर एबल टू रिकंस्ट्रक्ट अ कंप्लीट न्यू लिम्ब। तो जो रिमेनिंग लिम्ब्स है वो कंप्लीट लिम्ब फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड विथ ऑल डी डिफरेंशिएटेड सेल अरेंज इन द प्रॉपर ऑर्डर। और जो सेल्स होती है वो वापस से डी डिफरेंशिएट करती होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिम्ब एंड प्रोलीफरेशन करती है खुद का। इन द अदर वर्ड्स द न्यू सेल कंस्ट्रक्ट ओनली द मिसिंग स्ट्रक्चर एंड नो मोर, मतलब न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, जो डिफरेंशिएटेड सेल थी वह डी डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट होकर न्यू सेल का फॉर्मेशन करती है, और यही न्यू सेल प्रोलीफरेशन करके लिम्ब का रिजनरेशन करती है। फॉर द एग्जाम्पल द रिस्ट इज एम्पुटेटेड, मतलब अगर कभी हम किसी की कलाई अगर कोई रिज हम देखें, किसी की व्रिस्ट, कोई हैंड है उसकी व्रिस्ट अगर का हम एम्पुटेट करते हैं, मतलब किसी कलाई को अगर एम्पुटेट करते हैं, देन सेलामेंडर फॉर्म अ न्यू व्रिस्ट। तो सेलामेंडर ओनली न्यू व्रिस्ट का फॉर्मेशन करता है, ना कि न्यू हैंड का या फिर न्यू लेग का। तो इसी रीजनरेशन को हम क्या बोलते हैं? इपिमोर्फोलेक्सिस रीजनरेशन, जो कि ओनली ऑन मिसिंग पार्ट को रीजनरेट करता है, होल बॉडी का फॉर्मेशन नहीं करता है। और ये जो भी मिसिंग पार्ट का रीजनरेशन करना कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एपिडर्मिस की, है ना? इन द सम वे सेलामेंडर लिम्ब नॉन वेयर द प्रोक्सीमल डिस्टलेड एक्सिस हैज बीन सर्वड एंड इज एबल टू रीजनरेट फ्रॉम द पॉइंट ऑन, मतलब अगर हम किसी लिम्ब को प्रोक्सीमल डिस्टलेड, अगर मेरा जो पिछला वाला लेक्चर था, मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको टेट्राबोट लिम्ब रीजनरेशन के बारे में बताया था, टेट्राबोट का लिम्ब कैसे जनरेट होता है। तो उसकी जो सिग्नलिंग है कहीं ना कहीं एनालॉगस है फॉर द रीजनरेशन, सेलामेंडर लिम्ब रीजनरेशन, है ना? तो आप मेरा पहले वाला इस लेक्चर देख लेना, मैं उसकी लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो वो लेक्चर अगर आप देख लोगे तो ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा और सारी सिग्नलिंग प्रॉपर समझ में आएगी, है ना? तो प्रोक्सीमल डिस्टलेट पार्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें कवर करी है। तो प्लीज़ आप वो लेक्चर मेरा देखिए। प्रोक्सीमल डिस्टलेट एक्सिस हैज़ बीन सर्व, तो मतलब क्या होता है कि इसमें किसी भी लिम्ब की प्रोक्सीमल डिस्टलेट एक्सिस वापस से सर्व्ड हो जाती है। सर्व मतलब क्या होती है कि वापस अगर कभी कट कट कर देते हैं हम, तो ये वापस से रिजनरेट हो जाती है।
उसके जो भी डिस्टल एक्सिस है डिस्टल एक्सिस का फॉर्मेशन करेंगी, और प्रोक्सीमल एक्सिस है जो प्रोक्सीमली एक्सिस का फॉर्मेशन करेंगी। मतलब वहाँ की सेल डिडिफ्रेंशिएट तो हो रही है और प्रोलीफरेट तो हो रही है, बट आफ्टर जब ये रीजनरेट रीडिफ्रेंशिएशन करती है तो रीडिफ्रेंशिएशन के टाइम पर ये खुद के फेट को अचीव करती है ना। सेलामेंडर एकॉम्प्लेस एपिमॉर्फिक रीजनरेशन बाय सेल डिडिफ्रेंशिएशन टू फॉर्म अ रीजनरेशन ब्लास्टेमा एंड एग्रीगेशन टू रिलेटिवली डिडिफ्रेंशिएटेड सेल ड्राइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनली डिडिफ्रेंशिएशन टिश्यू विच देन प्रोलीफरेट एंड रिडिफ्रेंशिएशन इन टू द न्यू लिम्फ पार्ट्स। ये मैंने जो आपको ऑरली समझाया है ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। मतलब कि कोई जो वहाँ की ब्लास्टेमा सेल्स और जो भी प्रोलीफरेट कर रही है, जो हम बोल रहे हैं कि डिडिफ्रेंशिएशन में जा रही है, जो सेल की मैं बात कर रहा हूँ कि जो सेल डिफ्रेंशिएशन से डिडिफ्रेंशिएशन में जा रही है, डिफरेंशिएशन से कहाँ में जा रही है, डी डिफरेंशिएशन में, तो इन सेल को हम क्या बोल रहे हैं, ब्लास्टेमा सेल। इन सेल को हम क्या बोल रहे हैं, ब्लास्टेमा, है ना। और यही ब्लास्टेमा जो होती है ये मिसिंग पार्ट का को रिजनरेट करने का काम करती है। और इन ब्लास्टेमा सेल्स को सिग्नल कहाँ से प्रोवाइड होता है, एपिडर्मिस सेल से, है ना। और वो कैसे होता है हम आगे देखेंगे। देन रीजनरेशन ऑफ ब्लास्टेमा, ब्लास्टेमा का रीजनरेशन कैसे होता है ये चीज़ हम पढ़ेंगे। ब्लास्टेमा सेल से मैंने बता दिया आपको कि ब्लास्टेमा सेल क्या होती है, कि कोई भी लिम्ब अगर यहाँ पर एम्पुटेट किया गया है तो यहाँ की सेल जो भी है ये डिफ्रेंशिएटेड थी, कि इनको ओनली लेग्स का फॉर्मेशन करना था या हैंड का फॉर्मेशन करना था। और यही सेल जो होती है जो इपिडर्मिस यहाँ से कवर कर लेती है इस वाउंड को, एंड ये ऐसे सिग्नल्स को प्रोवाइड करती है कि यहाँ की सेल वापस से डी डिफरेंशिएशन में जाए और प्रोलीफरेट करे खुद को। प्रोलीफरेट करने के बाद में इतना पार्ट्स फॉर्मेशन करे जो कि मिसिंग हो चुका है, एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस पार्ट्स देन दे आर रीडिफरेंशिएटेड, एंड रीडिफरेंशिएशन दे फॉर्म द न्यू स्ट्रक्चर एंड अचीव देयर फेट्स। प्रोलीफरेटिव सेल प्रेजेंट इन द प्रोलीफरेटिव जोन, है ना। यहाँ पर प्रोलीफरेटिव जोन, ये जोन कौन सा कहलाता है, प्रोलीफरेटिव जोन, प्रोलीफरेटिव जोन। और ये जो हम जो जोन फॉर्म हो रहा है लास्ट में, ये जोन कौन सा होता है, डिफरेंशिएटेड जोन, राइट जोन। डिफरेंशिएटेड जोन क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेल आकर डिफरेंशिएट करती है। ब्लास्टेमा सेल एम्पुटेटेड लिम्ब ऑफ द सिलामेंडर कॉल्ड एज द ब्लास्टेमा सेल, और जो भी एम्पुटेटेड लिम्ब का फॉर्मेशन कर गई है वो सेल क्या कहला रही है, ब्लास्टेमा सेल। ब्लास्टेमा सेल एक्टिवेट बाय एपिकल एक्टोडर्मल केप। अभी एपिकल एक्टोडर्मल केप क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। देन डी डिफरेंशिएट इन द लिम्ब ब्लास्टेमा एंड फॉर्मेशन ऑफ मिसिंग पार्ट्स ऑफ द लिम्ब। मैं आपको एक जनरली फिर भी बता देता हूँ कि एपिकल एक्टोडर्म लिम्ब क्या होता है। जैसे कि ये लिम्ब है, जनरली भाषा में बताऊँ कि ये लिम्ब है, तो लिम्ब को अगर हम यहाँ से कट करते हैं देन ये इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ऐसा कट करने के बाद। और ये जो फॉर्म है ये पार्ट क्या कराता है, वाउंड, वाउंड। अब ये जैसे ही लास्ट में बाद में यहाँ पर इस वाउंडेड पार्ट पर ये इपिडर्मिस जो होती है इसको कवर कर लेती है ना। आफ्टर ये कवरेशन क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वाउंडिंग इपिडर्मिस, है ना, वाउंड इपिडर्मिस बोलते हैं, है ना। आफ्टर ये जो वाउंड इपिडर्मिस होती है, ये जो वाउंड इपिडर्मिस बनी है ये आफ्टर क्या होती है, ठीक हो जाती है। ठीक क्यों होती है, क्योंकि ये ठीक होने के बाद में ये यहाँ की जो डिफरेंशिएटेड सेल है इन डिफरेंशिएटेड सेल को सिग्नल्स प्रोवाइड कर सके, तो ये थिकिंग ऑफ इपिडर्मिस दिस आर कॉल्ड एज द एपिकल एक्टो डर्मल केप। तो ये एपिकल एक्टोडर्मल केप, एपिकल मीन्स क्या होता है, एपिक्स पर, ये जहाँ पर ये एपिक्स पार्ट्स पर, एंड एक्टोडर्मल मीन्स एपिडर्मिस का फॉर्मेशन हुआ, और केप केप का फॉर्मेशन करती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्नल्स, जो कि सिग्नल्स का फॉर्मेशन करती है। और यह है यहाँ की सेल जो है इन सेल को डिफरेंशिएटेड सेल को डी डिफरेंशिएशन में डालती है, और यही डी डिफरेंशिएटेड सेल जो होती है क्या कहलाती है, ब्लास्टेमा सेल। और यह ब्लास्टेमा सेल एक प्रोलीफरेटिव जोन, प्रोलीफरेटिव जोन का फॉर्मेशन करती है, और यही प्रोलीफरेटिव जोन्स में ऐसे सिग्नल्स हमारे मिलते हैं जो कि सेल्स का प्रोलीफरेशन कराते हैं।
एंड आफ्टर प्रोलीफरेशन फॉर्मेशन ऑफ मिसिंग लिम्ब, मिसिंग पार्ट्स, है ना। और ये मिसिंग पार्ट्स के फॉर्मेशन के आफ्टर क्या होता है यहाँ पर, रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन मींस मींस क्या होता है, शेप प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड होता है ऑफ लिम्ब का, है ना, या मिसिंग पार्ट का। मिसिंग पार्ट्स का क्या होता है, शेप वापस से बनता है। तो जनरली मैंने आपको बताया है कि एपिकल एक्टोडर्मल कैप क्या है, तो किसी भी सेल, किसी भी लिम्ब के या फिर रीजनरेशन सेलामेंडर का, लिम्ब का रीजनरेशन किस पर डिपेंडेंट होता है, एपिकल एक्टोडर्मल कैप पर और ब्लास्टेमा सेल पर। एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ टिश्यू बीनेथ ऑफ वाउंड एपिडर्मिस डिग्रेडेड बाय प्रोटीज। एंड आफ्टर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ लिम्ब के बाद में प्रोटीज एंजाइम जो होता है ये इस वाउंडिंग एपिडर्मिस को क्या करते हैं, डिग्रेडेड करते हैं एंड लिबरेटिंग सिंगल सेल, और सिंगल सेल्स में इनको अलग कर देते हैं। एंड अंडरगोस ड्रामेटिक डी डिफ्रेंशिएशन, और इनको भी डी डिफ्रेंशिएशन में ट्रांसफर कर दे और द फॉर्मेशन ऑफ लिम्ब, देन दे आर री डिफ्रेंशिएटेड। तो जैसे ही हमारे पास बाउंडिंग एपिडर्मिस ये प्रोटीएस एंजाइम्स की हेल्प से डिग्रेड हो जाती है और सिंगल सेल में डिग्रेड होती है, और यही सेल जो होती है डी डिफ्रेंशिएशन में जाती है। एंड बोन सेल, कार्टिलेज सेल, फाइब्रोब्लास्ट एंड मायोसाइट्स, ऑल दिस डी डिफ्रेंशिएटेड कैरेक्टरिस्टिक। और ये जो होता है ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो कि बोन्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उनके अटैचमेंट के लिए, जैसे कि बोन्स सेल्स के, बोन सेल का कार्टिलेज सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल और मायोसाइट सेल, इन सेल का फॉर्मेशन करती। तो आपको ये चीज़ पता चली कि जो बाउंडिंग एपिडर्मिस है इनसे भी कोई ना कोई सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और यही सेल जो होती है इन पार्ट्स का या ऑर्गन्स का, ऑर्गन्स में डिफ्रेंशिएटेड होती है। जीन्स दैट आर एक्सप्रेस इन द डी डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू सच एस, और ये डी डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू थे, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ कि ये सेल यहाँ डिफ्रेंशिएशन से डी डिफ्रेंशिएशन में जा रही है, तो उनमें कौन कौन से जीन्स का एक्टिवेशन हो रहा है, तो उनमें कौन कौन से जीन का एक्टिवेशन हो रहा है, MRF4 एंड MYF5। ये क्या होता है, मसल्स जीन होते हैं, है ना, जो कि एक्सप्रेस होते हैं मसल्स में, है ना, सेल में, एंड डाउन रेगुलेट, और रेगुलेट भी होते हैं। विल दे आर ड्रामेटिक इंक्रीजिंग इन द एक्सप्रेशन ऑफ जीन सच एज MSX, MSXL, है ना, और ये किसको एक्टिवेट करते हैं, MSXL को, एंड देट आर एसोसिएटेड विथ प्रोलीफरेशन, प्रोग्रेसिव जोन, मेसेनकाइम एंड एम्ब्रियोनिक लिम्ब। और ये जो होता है MSXL जीन, ये किसको, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह वर्क करता है और क्या करता है, प्रोलीफरेटिव कराने काम करता है ना। जहाँ डिफ्रेंशिएटेड सेल थी उसको डी डिफ्रेंशिएशन करा के प्रोलीफरेशन कराने का काम करते हैं। तो न्यूली अगर कोई डिफ्रेंशिएटेड सेल होती है तो उसको सिग्नल्स कहाँ से मिलते हैं, एपिकल एक्टोडर्मल कैप से, एपिकल एक्टोडर्म से कैप से FGF8 मिलता है, जैसे कि ये लिम्ब है, लिम्ब को ऐसे एम्पुटेट किया देन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मिस, और ये एपिडर्मिस जो होती है ये क्या होती है, थीक होती है, थीकिंग होती है, थीकिंग ऑफ एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस थीक होके क्या बनाती है, एपिकल एक्टोडर्मल कैप का फॉर्मेशन करती है ना, ये एपिकल एक्टोडर्मल कैप बनाती है, और ये एपिकल एक्टोडर्मल कैप क्या करती है, FGF8 का सिक्रेशन करती है ना, FGF8 का सिक्रेशन करती है। ये FGF8 जाकर जो ब्लास्टेमा सेल है, एमा सेल है, उसमें कौन से जीन का एक्टिवेशन करते हैं, MRF4 और MYF5, इन इन दो जीन्स का एक्टिवेशन करती है, और ये दो जीन जो होते हैं MSXL जीन के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह वर्क करते हैं। और जैसे ही हमारे पास MSXL जीन का फॉर्मेशन होता है, देन ये जो होता है डिफरेंशिएटेड सेल होती है, सेल को कन्वर्ट करता है किसमें, डी डिफरेंशिएशन सेल, डी डिफरेंशिएटेड सेल में, है ना, डी डिफरेंशिएटेड सेल मतलब क्या होता है, ये प्रोलीफरेटिव
जोन का फॉर्मेशन करते हैं ना, और यही प्रोलीफरेटिव जोन आफ्टर प्रोलीफरेशन करते हैं, जो कि मैंने आपको सारी प्रोसेस बताई। तो सिग्नलिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से क्लियर करी, तो इसको अच्छे से समझ ले। तो ब्लास्टेमा सेल के बारे में मैंने आपको बताया कि ब्लास्टेमा सेल कैसे रीजनरेट होती है और क्या सिग्नलिंग इसमें फॉर्म होती है। एंड देन मास इज द रीजनरेटेड ब्लास्टेमा एंड देयर आर सेल दैट विल कंटिन्यू टू प्रोलीफरेट, एंड आफ्टर ये कंटिन्यू होती है प्रोलीफरेशन के लिए, एंड विच विल इवेंचुअली रीडिफ्रेंशिएटेड। और जैसे ही ये प्रोलीफरेट करते करते अगर उस लिम्ब का साइज प्रॉपर फॉर्मेशन हो जाता है, देन ये रीडिफ्रेंशिएट करती है टू फॉर्म अ न्यू स्ट्रक्चर, और ये जो उस मिसिंग पार्ट्स का न्यू स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का काम करती है। तो आपको समझ आ गया होगा ब्लास्टेमा सेल। अब आती है एपिकल एक्टोडर्मल के। एपिकल एक्टोडर्मल के क्या होता है, तो मैंने आपको अच्छे से बताया, इवन द सेलामेंडर लिम्ब इज एम्पुटेटेड, जैसे ही हम सेलामेंडर लिम्ब को एम्पुटेट करते हैं देन कट करते हैं, देन प्लाज्मा क्लॉट फॉर्म, तो प्लाज्मा का क्या करता है, क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। एंड विद 6 to 12 आवर्स एपिडर्मल सेल फॉर्म द रिमेनिंग स्टम्प, जो जैसे ही क्लॉट फॉर्म होता है तो इपिडर्मिस सेल क्या करती है, वहाँ पर उस स्टम्प सेल्स के ऊपर माइग्रेट करके उसको कवर कर लेती है, देन वाउंडेड सरफेस, और इसी सेल्स को हम क्या बोलते हैं, वाउंड इपिडर्मिस, जो मैंने आपको अच्छे से बताया और डायग्राम खुद से बना के बताया। ड्यूरिंग दिस टाइम्स द वाउंड इपिडर्मिस थिकिंग टू फॉर्म द एपिकल एक्टोडर्मल केप, और ये थिक होती है और फॉर्मेशन क्या करती है, एपिकल एक्टोडर्मल केप का फॉर्मेशन करती है, विच एक्ट सिमिलर टू द एपिकल एक्टोडर्मल रिज ड्यूरिंग द नॉर्मल लिम्ब डेवलपमेंट। जो मैंने आपको टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट पढ़ाया था, तो टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट में एपिकल एक्टोडर्मल रिज फॉर्मेशन होती है ना, एपिकल एक्टोडर्मल रिज फॉर्मेशन होती है। तो ये एपिकल एक्टोडर्मल रिज जो होती है, एपिकल एक्टोडर्मल केप जो कि सेलामेंडर लिम्ब में है, उसके एनालॉगस होती है। तो वैसे ही सिग्नलिंग प्रोसेस भी होती है। तो आप मेरा पुराना वाला वीडियो देखना, तो उसमें कैसे सिग्नलिंग फॉर्म हो रही है सारी चीज़ें मैंने उसमें कवर करी है। तो डायग्रामेटिकली मैंने ये, अगर डायग्राम को हम देखें, तो जैसे ही ये किसी भी लिम्ब का अगर एम्पुटेड होता है, तो आफ्टर इपिडर्मिस का फॉर्मेशन होता है, और ये इपिडर्मिस फॉर्म होने के बाद में ये थीक होती है, और थीक इपिडर्मिस जो होती है एईसी का फॉर्मेशन करती है, और यही एईसी जो होते हैं किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्या सिग्नल दे रहे हैं, FGF8 का, और ये FGF8 आफ्टर फॉर्म कर रहे हैं क्या, इन ब्लास्टेमा सेल्स का सिग्नल दे रहे किसके लिए, MRF4 और MYF5 के लिए, जो कि किसको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करे, किसके लिए, MSXL के लिए, और यही MSX सेल्स जो होती है प्रोलीफरेशन का जोन का फॉर्मेशन करती है और प्रोलीफरेट करती है, और लिम का फॉर्मेशन, जैसे ही हमारे पास लिम का प्रॉपर फॉर्मेशन हो जाता है, तो इस लिम की शेपिंग होती है, और ये लिम के शेप किसके कारण होता है, जो डिडिफ्रेंशिएटेड सेल है वापस से रीडिफ्रेंशिएट करती है, शेड करती है और लीम का शेप फॉर्मेशन करती है ना। तो और इसी जैसे इपिडर्मिस की हेल्प से जो डिफरेंशिएशन या रीजनरेशन हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम इपिमोर्फोलेक्सिस कहते हैं। अब क्या करा, कार्गल एंड कलेजियस, उसके कलेजियस ने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि कार्गल एंड कलेजियस 2009 फाउंड दैट द ब्लास्टेमा इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनस, तो क्या देखा उन्होंने कि ब्लास्टेमा सेल जो होती है ये एक प्रकार का होमोजिनस सेल का कलेक्शन नहीं है, ये क्या है, हेटरोजिनस सेल, हेटरोजिनस सेल एंड फुली डिडिफ्रेंशिएटेड सेल, जो कि फुली डिफ्रेंशिएट होती है। हेटरोजिनस सेल मीन्स क्या होती है कि एक खुद का मतलब प्रोलीफरेशन करती है, डिडिफ्रेंशिएशन कर, एंड रेदर इज रीजनरेटिंग द लिम्ब ऑफ एक्सोलोटल सेलामेंडर। कि उन्होंने क्या क्लियर करा कि जो भी ब्लास्टेमा सेल जो प्रोलीफरेट करके लिम्ब का फॉर्मेशन कर रही थी, वो एक होमोजिनस सेल नहीं है, वो कौन सी सेल है, हेटरोजिनस सेल है, और यही हेटरोजिनस सेल डिडिफ्रेंशिएट करके सेलामेंडर लिम्ब का फॉर्मेशन कर रही है, जो कि एक मिसिंग पार्ट्स है, मसल सेल एरिस ओनली फ्रॉम द ओल्डर मसल सेल। और उन्होंने ये चीज़ देखी कि जो भी न्यू मसल्स का फॉर्मेशन हो रहा है उनकी वाली, कि जैसे कि अगर हमने एम्पुटेट किया किसी लिम्ब को यहाँ से, और ये जो वापस से लिम्ब रीजनरेट हो रहा है, लिम्ब रीजनरेट हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो ये फॉर्मेशन जो था ये उनके ओल्ड ब्लास्टेमा सेल्स के सिग्नलिंग के थ्रू हो रहा था,
मतलब कहीं ना कहीं ओल्ड ब्लास्टेमा सेल जो होती है न्यू सेल को सिग्नल प्रोवाइड कर रही थी। या तो फिर मैंने ये चीज़ आपको बताई कि कैप से सिग्नल्स आ रहे थे, तो यहाँ पर जो ओल्ड सेल थी, जो डिफरेंशिएटेड सेल थी, वही सेल न्यू सेल फॉर्मेशन कर रही है, मतलब डी डिफरेंशिएशन में जा रही है। और यही डी डिफरेंशिएट सेल को हम क्या बोल रहे हैं, न्यू ब्लास्टेमा सेल बोल रहे हैं। तो हम ये चीज़ क्या बोलेंगे कि जो लिम्ब का रीजनरेशन हो रहा है वो ओल्ड सेल से हो रहा है। तो ये इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, डर्मल सेल टू कम ओनली फ्रॉम द ओल्ड डर्मल सेल। और जो भी हमारे पास इपिडर्मिस भी फॉर्म हो रही थी, तो यहाँ से कवरिंग हो रही थी। देन कवरिंग कैसे हो रही थी कि ये प्रोलिफरेट कर रही थी और उसके पूरे वाउंड को कवर कर रही थी। तो हम इसको बाद में क्या बोल रहे थे, वाउंड इपिडर्मिस। तो वैसे ही कार्टिलेज एंड द अदर कार्टिलेज एंड अदर डर्मल सेल, और जो भी लिम्ब का एक्स्ट्रा जो पार्ट्स फॉर्मेशन हो रहा था, जो कि प्रोटीज एंजाइम, मैंने आपको बताया प्रोटीज एंजाइम जो वाउंडिंग इपिडर्मिस को क्लीव करके सिंगल सेल फॉर्मेशन कर रहा था, और ये सिंगल सेल कार्टिलेज सेल बोन सेल का फॉर्मेशन कर रही थी, ये तो सारी सेल ये उनके ओल्ड सेल से फॉर्मेशन हो रही है ना। तो यही चीज का इन्होंने क्या करा है, एक एक्सपेरिमेंट करा कार्गल एंड करेजियस ने, कि यह सिद्ध करना था उनको, एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करना था। और प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला था, ब्लास्टेमा इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ अनस्पेसिफाइड मल्टीपोटेंट प्रोजिनेटर सेल। प्रोजिनेटर सेल मीन्स क्या होता है, मल्टीपोटेंट मीन्स ये होता है कि वो डिफरेंट फेट्स को फॉर्मेशन करेंगी, मल्टम उसके मल्टीपल फेट्स को बनाएंगी। जैसे कि एक एक सेल हैंड लेग्स या फिर डिफरेंट आई वाई ये सारी चीज़ों का फॉर्मेशन करेगी, है ना। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, मल्टीपोटेंट सेल। और प्रोजिनेटर सेल मीन्स क्या होती है, एक तो स्टेम सेल टू टाइप्स की होती है, जो एक टाइप्स की होती है जो कि खुद को भी फॉर्मेशन करती है और प्रोलीफरेशन भी करती है, मतलब डिफरेंट सेल भी बनाती है ना। तो इन सेल को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, स्टेम सेल, स्टेम सेल बोलते हैं, नॉर्मली स्टेम सेल, है ना। और एक सेल जो होती है जो खुद का फॉर्मेशन नहीं करती है, ओनली प्रोलीफरेट करती है। तो इन सेल को हम क्या बोलते हैं, प्रोजिनेटर सेल। इन सेल को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोजिनेटर सेल। तो प्रोजिनेटर सेल जो ब्लास्टेमा सेल है वो डी डिफ्रेंशिएट होकर ओनली प्रोजिनेटर सेल का फॉर्मेशन करती है, मतलब ओनली प्रोलीफरेट करती है। खुद का फेट वो कब अचीव करेंगी, जब ये पूरे वॉल लिम का फॉर्मेशन कर देती है, रीजनरेशन री डिफरेंशिएशन के आफ्टर ये स्टेम सेल फॉर्म करती है। एंड दस ब्लास्टेमा इज रिमेनिंग स्पेसिफिकेशन, ब्लास्टेमा इज हेट्रोजिनस असॉर्टमेंट। मैंने बताया आपको कि ब्लास्टेमा होमोजिनस ना होता है, हेट्रोजिनस सेल है ना। तो कार्गल ने, उसके कलेजियस ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था ये प्रूफ करने के लिए कि ओल्डर सेल से ही न्यू सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया था, कार्गल कलेजियस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट इन द विच दे ट्रांसप्लांटेड लिम्ब टिश्यू फ्रॉम अ सेलामेंडर हुज सेल एक्सप्रेस द ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन। उन्होंने जो सेलामेंडर लिम्ब का जो टिश्यू था, या फिर हमने टिश्यू जो था न्यू टिश्यू, वो टिश्यू वो उन उन्होंने उस टिश्यू को जीएफपी टैग किया। जीएफपी मतलब ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन, जो कि फ्लोरोसेंस लाइट की प्रेजेंस में ग्रीन कलर का शो होता है, मतलब लाइट की मीटिंग करता है। इन टू द डिफ्रेंशिएटेड रीजन ऑफ द लिम्ब और नॉर्मल सेलामेंडर लिम्ब दे डिड नॉट हैव जीएफपी ट्रांजिट। और इन्होंने ये जो टिश्यू था ये नॉर्मल लिम्ब में एक्सप्रेस करवाया, नॉर्मल लिम्ब में डाला। तो नॉर्मल लिम्ब में इन्होंने ये चीज़ देखा कि जीएफपी का कोई एक्सप्रेशन नहीं मिला। निष्कर्ष तो उनको ये निकालना था कि ओल्ड सेल से ही न्यू सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, पर इन्होंने नॉर्मल लिम्ब में डाला तो जीएफपी का कोई एक्सप्रेशन नहीं मिला। बिकॉज क्यों, ये हम आगे देखते हैं। आफ्टर ये जो भी इन्होंने जीएफपी टैग्ड एक्सप्रेसिंग सेल्स थी, ये इन्होंने एक एसएस एंड देन लिम्ब कार्टिलेज इनटू द सेलामेंडर लिम्ब डिड नॉट कंटेन द जीएफपी ट्रांजिन। और इन्होंने ऐसे लिम्ब में डाला है जहाँ पर जीएफपी का ट्रांजिन प्रेजेंट नहीं, एंड द जीएफपी एक्सप्रेसिंग कार्टिलेज वुड इंट्रीगेट नॉर्मली इन टू द लिम्ब स्केलेटन दे लेटर एम्पुटेटेड। और इन्होंने क्या करा, एक जीएफपी जो जीएफपी टैग्ड सेल थी इनको एक ऐसे लिम्ब में डाला, एंड आफ्टर क्या किया, पहले तो इन्होंने लिम्ब नॉर्मल लिम्ब था, इन्होंने नॉर्मल लिम्ब के अंदर ये ट्रांसप्लांट करा तो इनको जीएफपी का एक्सप्रेशन नहीं मिला, है ना। एंड आफ्टर इन्होंने वही वापस से एक्सपेरिमेंट किया, और आफ्टर इन्होंने क्या किया कि वो जैसे ही इन्होंने ट्रांसप्लांट किया, इन्होंने ट्रांसप्लांट करने के बाद में उस लिम्ब का एम्पुटेट कर दिया, मतलब उसको लिम्ब को कट कर दिया। तो कट करने के बाद में इन्होंने ये निष्कर्ष देखा कि इनको जीएफपी का एक्सप्रेशन मिला, है ना, जीएफपी का एक्सप्रेशन मिला। ये इन्होंने क्या करा, ये जो ओल्ड कार्टिलेज सेल थी, जीएफपी एक्सप्रेसिंग सेल थी, इन जीएफपी एक्सप्रेसिंग सेल को इन्होंने वाइल्ड टाइप लिम्ब में ट्रांसपोर्ट किया, यहाँ से एक थोड़ा सा पार्ट कट किया, एंड आफ्टर इस ग्रीन वाले पार्ट को, मतलब जीएफपी एक्सप्रेसिंग सेल
टिश्यू को यहाँ पर ट्रांसप्लांट किया, और ट्रांसप्लांट करने के बाद में इस लिम्ब को यहाँ से क्लीव कर दिया। पहले इन्होंने ये चीज़ देखा था कि इन्होंने क्लीव नहीं किया था, तो क्लीव नहीं किया तो यहाँ पर जीएफपी का एक्सप्रेशन नहीं मिला, और जैसे ही इन्होंने यहाँ क्लीव किया तो ये क्लीव करने के बाद में इन्होंने ये चीज़ देखा कि ये ब्लास्टेमा सेल जो थी, ये ब्लास्टेमा सेल ये न्यूली फॉर्म हो रही थी ओल्ड कार्टिलेज के फॉर्म से, मतलब यही सेल न्यू फॉर्मेशन हो रही थी और प्रोलीफरेट कर रही थी ओल्ड कार्टिलेज से। तो इनको आगे भी जैसे ही लिम्ब रीजनरेट हुआ तो यहाँ पर उन्होंने जीएफपी का एक्सप्रेशन देखा, तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो भी लिम्ब का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर कोई न्यू सेल फॉर्म नहीं हो रही, यही सेल जो ग्रीन सेल मतलब ये इनको सिग्नल्स दे रही है और यही आगे बढ़ते जा रही है और प्रोलीफरेट कर रही है ना, इनका ये निष्कर्ष निकला था। प्रोलीफरेशन ऑफ द ब्लास्टेमा सेल द रिक्वायरमेंट फॉर द नर्व एंड एईसी, है ना। अब एक नया जो इनका मोड़ आया कि इन्होंने क्या देखा कि जो प्रोलीफरेशन था हमारा ब्लास्टेमा सेल का वो डिपेंड किस पे था, मैंने तो आगे बताया एईसी पर, है ना, पर एक और इन्होंने पार्ट देखा कि नर्व पर भी डिपेंड है, नर्व पर, वो कैसे, द ग्रोथ ऑफ द रीजनरेशन ब्लास्टेमा डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ बोथ एपिकल एक्टोडर्मल कैप एंड नर्व, जो भी ग्रोथ थी ब्लास्टेमा सेल की या रीजनरेशन हो रहा था हमारे लिम्ब का वो डिपेंड होता है एपिकल एक्टोडर्म पे और नर्व पे। एपिकल एक्टोडर्म पे क्यों, क्योंकि एपिकल एक्टोडर्म जो थे FGF8 का सिक्रेशन कर रही है ना, और नर्व क्या कर रही है, तो नर्व क्या कर रही है ये चीज देखते हैं, द एईसी स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द ब्लास्टेमा सेल बाय सिक्रेटिंग द FGF8, मैंने आपको अभी बताया कि एईसी ओनली FGF8 का सिक्रेशन करती है और ये स्टिमुलेट करती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिम्ब के किसको, ब्लास्टेमा सेल को। और ये चीज याद रखना कि ब्लास्टेमा सेल ही ओनली स्पेसिफिक सेल होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिम्ब एंड मतलब जो भी टाइप है हमारे लिम्ब के, या तो लिम्ब में फॉर्मेशन करेंगे जैसे कि हिंड लिम्ब फॉर्मेशन करेंगे या फिर फोर लिम्ब फॉर्मेशन करना है, ये किस कौन स्पेसिफाई करता है, ब्लास्टेमा सेल। और एईसी ओनली इसको सिग्नल्स प्रोवाइड करती है प्रोलीफरेशन के लिए, ये स्पेसिफिक सेल नहीं है। कि अगर कभी हमने किसी एक एक्सपेरिमेंट में इस ब्लास्टेमा सेल की जगह अगर एईसी डाल दिया तो ना तो हिंड लिम्ब फॉर्म होगा ना तो फोर लिम्ब फॉर्म होगा। अगर कभी हमने एईसी को हटाकर अगर किसी में कोई लेग फॉर्मिंग, जैसे कि अगर कोई ब्लास्टेमा सेल थी जो हिंड लिम्ब का फॉर्मेशन कर रही थी, इस हिंड लिम्ब फॉर्मेशन सेल को हमने अगर एईसी की जगह फॉर्म कर दिया तो यहाँ पर हिंड लिम्ब का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्यों। और इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ क्या सिद्ध होती है कि ब्लास्टेमा सेल एक स्पेसिफिक सेल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ लिम्ब के, है ना, पर एईसी स्पेसिफिक सेल नहीं है, ये ओनली स्टिमुलेटिंग सिग्नल है कि स्टिमुलेट करती है ब्लास्टेमा सेल को उसके फेट को याद दिलाने के लिए, मतलब फेट को अचीव करने के लिए। बट द इफेक्ट ऑफ द एईसी इज ओनली पॉसिबल इज द नर्व आर प्रेजेंट, सिंगर डिमोन्स्ट्रेट डेट मिनिमम नंबर ऑफ नर्व फाइबर मस्ट बी प्रेजेंट फॉर द रीजनरेशन टू टेक प्लेस। इन्होंने सिंगर ने एक एक्सपेरिमेंट देखा था 1954 में कि जहाँ पर हमारे पास लिम्ब का रीजनरेशन हो रहा था उस लिम्ब के रीजनरेशन के टाइम पर मिनिमम नर्व प्रेजेंट थी, द नर्व न्यूरोन्स आर ऑल्सो बिलीव टू रिलीज द फैक्टर नेसेसरी फॉर प्रोलीफरेशन ऑफ द ब्लास्टेमा सेल। और ये नर्व जो थी एक ऐसे फैक्टर को रिलीज कर रही थी जो कि इन ब्लास्टेमा सेल्स को हेल्प कर रहा था प्रोलीफरेशन के लिए, है ना, एंड दिस हैव बीन कैंडिडेट फॉर सच नर्व बिलीव डिराइव्ड फ्रॉम ब्लास्टेमा माइटोजन। और ये ब्लास्टेमा को ऐसे माइटोजन प्रोवाइड कर रही थी, माइटोजन्स मीन्स क्या होता है, एक ऐसे सिग्नल्स जो कि उसको प्रोलीफरेशन करने के लिए सिग्नल्स प्रोवाइड कर रही थी। बट वन ऑफ दैट प्रोबेबल द बेस्ट कैंडिडेट इज निवेट एंटीरियर ग्रेडियंट प्रोटीन। निवेट एंटीरियर ग्रेडियंट प्रोटीन मतलब नर्व जो थी जो ब्लास्टेमा सेल को नेग नेग प्रोवाइड कर रही थी, नेग क्या है, निवेट एंटीरियर ग्रेडियंट प्रोटीन, ये और यही प्रोटीन के हेल्प से क्या था, सेल मतलब हमारा लिम्ब रीजनरेट हो रहा था, मतलब ब्लास्टेमा सेल जो थी ये प्रोलीफरेट कर रही थी, इनमें जो सिग्नल्स थे वो प्रोवाइड मतलब सिग्नल जो थे कैप से जो यहाँ तक सिग्नल्स आ रहे हैं वो सेल सिग्नल्स किसके थ्रू जा रहे हैं, नर्व के द्वारा। तो नर्व अगर प्रेजेंट नहीं होगी तो सिग्नल्स प्रॉपरली ब्लास्टेमा सेल को नहीं मिलेंगे, और सिग्नल अगर प्रॉपरली ब्लास्टेमा सेल को नहीं मिले तो ब्लास्टेमा सेल प्रोलीफरेट नहीं करेगी। तो इन्होंने यही एक्सपेरिमेंट में देखा था कि नेक का एक्सप्रेशन कर रही है नर्व जो कि ब्लास्टेमा सेल के प्रोलीफरेशन को एक्टिवेट कर रही, एंड दिस प्रोटीन कैन कॉज ब्लास्टेमा सेल टू प्रोलीफरेट इन द कल्चर।
एंड परमिट नॉर्मल रीजनरेशन ऑफ द लिम्ब हैव बीन डिनर्वेटेड। डिनर्वेटेड मतलब क्या था कि अगर किसी लिम्ब को अगर हम एम्पूटेट करते हैं, ओनली कट करते हैं, तो और डिनर्वेशन नहीं करते, उसका नर्व नर्व का क्लीवेज नहीं करते हैं। मतलब अगर कोई अगर हमारा लिम्ब है, उसमें ये नर्व है, उस नर्व को क्लीवेज ना करते हुए अगर हमने ओनली बस लिम्ब के पार्ट्स को क्लीवेज करा, तो नॉर्मली लिम्ब फॉर्मेशन हो जा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो नेक नर्व जो थी, नेक का फॉर्मेशन कर रही थी, और ये नेक ब्लास्टेमा सेल को स्टिमुलेट कर रहे थे इस सिग्नल्स को कॉम्पिटेंस करने के लिए। कॉम्पिटेंस मीन्स इन सिग्नल को पहचानने के लिए, कि इन सिग्नल को पहचान के ये सेल डिफरेंशिएटेड सेल थी, वो डिडिफरेंशिएटेड हो रही थी, है ना। तो नर्व का काम क्या था? नेक का फॉर्मेशन करना। और नॉर्मली अगर हम लिम्ब की बात करें, नॉर्मल लिम्ब में ओनली नॉर्मल नेक का फॉर्मेशन होता है, पर हाँ एम्पुटेटेड नीक नेक एम्पुटेटेड लिम्ब जो होता है, उसमें नेक का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा तरीके से स्टिमुलेट करती है ब्लास्टेमा सेल को कि कैनिमल एक्टोडर्मल केव से जो सिग्नल्स आ रहे हैं, उनको तुम रिकॉग्नाइज करो, और रिकॉग्नाइज करके डिफरेंशिएटन से डिडिफरेंशिएशन में जाओ, और डिडिफरेंशिएशन से तुम लिम्ब को प्रोलीफरेटिव जोन करो, और प्रोलीफरेशन करके लिम्ब का फॉर्मेशन करो, है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि नेक क्यों रिस्पॉन्सिबल है। ये ब्लास्टेमा सेल को कॉम्पिटेंस कर रहा है, कॉम्पिटेंट बनाता है, किसके लिए? एपिकल एक्टोडर्मल केप से आने वाले सिग्नल्स के लिए। इसीलिए नेक रिस्पॉन्सिबल है ना। नेक और एनिमल केप, जो एपिकल एक्टोडर्मल केप, ये ज़रूरी है ना। नेक कहाँ से आ रहा है? नर्व से। तो इन्होंने ये चीज़ देखा कि अगर कभी किसी नर्व को काट दिया एंड आफ्टर फिर एम्पुटेट किया लेग को, तो लिम्ब का रीजनरेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेक का फॉर्मेशन नहीं होगा, और नेक का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ब्लास्टेमा सेल डिफरेंशिएशन से डिडिफरेंशिएशन जाने के लिए जो एपिकल जो था एपिकल साइड से, एक्टोडर्मल साइड से जो सिग्नल्स आ रहे थे, उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी और प्रोलीफरेट नहीं कर पाएगी। समझ गया आप? द एक्टिवेटेड नेक जीन आर इलेक्ट्रोफोरेटेड इन टू द डिडिफरेंशिएटेड टिश्यू, लिम्ब हैव बीन डिनर्वेटेड एंड दिस लिम्ब एबल टू रिजनरेट। अगर कोई एम्पुटेटेड लिंब, जैसे कि डिनर्वेट किया किसी लिंब को एंड आफ्टर एम्पुटेट किया, तो नॉर्मली लिंब का रिजनरेशन तो नहीं होगा, लिंब रिजनरेशन नहीं होगा, है ना। पर अगर हमने इस एम्पुटेटेड और डिनर्वेटेड लिंब के अंदर अगर कभी हमने नेक को अगर ट्रांसपोर्ट करा इसके अंदर, तो लिंब का रिजनरेशन हो जाएगा। तो इससे हमने क्या सिद्ध होता है कि जो ब्लास्टेमा सेल्स है, उन ब्लास्टेमा सेल्स को नेक रिस्पॉन्सिबल या कॉम्पिटेंस बना रहा है एपिकल एक्टोडर्मल केप के लिए, सिग्नल्स के लिए, है ना। नेक इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड द लिम्ब रिमेनिंग स्टम्प। नेक अगर नेक नहीं होगा तो डिनर्वेटेड लिम्ब का स्टम्प हो जाएगा, मतलब रिजनरेशन नहीं होगा। नेक इज ओनली मिनिमल एक्सप्रेस इन द नॉर्मल लिम्ब, मतलब मिनिमली एक्सप्रेस होता है नॉर्मल लिम्ब्स में, एंड इट इज इंड्यूस्ड इन द श्वान सेल, और ये श्वान सेल्स के द्वारा इन श्वान सेल में इंड्यूस्ड होता है, एंड देन सराउंडेड द न्यूरॉन ऑफ द डे ऑफ द एम्पुटेशन। अब श्वान सेल क्या होती है? नॉर्मली जैसे नर्व सेल हो जो होती है, ये नर्व सेल है, सॉरी मैं अगर न्यूरॉन्स का अगर आपको मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको अच्छे से समझा देता हूँ, जैसे कि ये न्यूरोन है, न्यूरॉन में ये बॉडी है, सेल बॉडी, ये एक्सोन है, और ये जो होता है यहाँ सिग्नल्स निकलते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट, है ना, साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। और इन एक्सोन्स पर एक परत चढ़ी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? श्वान सेल, श्वान सेल। और ये श्वान सेल क्या सिक्रेट कर रही है? नेक का सिक्रेशन कर रही है। नेक का सिक्रेशन जैसे ही श्वान सेल्स के द्वारा हो रहा है, तो ये किसको एक्टिवेट कर रही है? ब्लास्टेमा सेल को। ब्लास्टेमा सेल को किसके लिए? ब्लास्टेमा सेल्स को कॉम्पिटेंस बनाती है, किसके लिए? फॉर रिकॉग्नाइज द सिग्नल सिक्रेटेड बाय AEC, एपिकल एक्टोडर्मल कैप, है ना। एपिकल एक्टोडर्मल कैप से जो सिग्नल्स आ रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए कॉम्पिटेंस बना रहा है कौन? नेक। तो नेक इसलिए ज़रूरी है। अगर कोई
अगर जैसे हमने पहले डिनर वेट किया, अगर हम बात करें, मैंने पहले डिनर वेट किया किसी लिंब को एंड आफ्टर क्या किया, एम्पुटेटेड किया, तो यह लिंब नॉट री जनरेट, तो लिंब का रिजनरेशन नहीं होगा। हाँ, अगर जैसे ही हमने यहाँ पर नेक डाला, जैसे ही हमने अगर यहाँ पर नेक डाला, तो नेक डालने के बाद में यहाँ पर लिंब रिजनरेट हो जाता है। तो नेक क्यों यूजफुल है, ये मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर करी। ये जैसे ही हमने पहले डिनर वेट करा एंड आफ्टर एम्पुटेट करा, तो यार लिंब का रिजनरेशन नहीं हुआ, है ना, लिंब का रिजनरेशन नहीं हुआ। और जैसे ही हम अगर नेक डालते हैं, तो नेक डालने के बाद में वापस लिंब का रिजनरेशन हो जाता है। तो मेरा लेक्चर यहाँ पर रीजनरेशन का, सेलामेंडर लिम्ब रीजनरेशन का लेक्चर यही ख़त्म होता है। और मैंने आपको पूरी कोशिश करी कि मैं आपको और अच्छे से अच्छा समझाऊँ, और जो भी मैंने समझाया प्लीज़ इसको अच्छे से और देखें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं वापस से आपको ये चीज़ कमेंट बॉक्स में समझा दूंगा, या तो फिर एक वीडियो बना दूंगा। और जो भी मैंने लेक्चर डेवलपमेंट बायोलॉजी के लिए है, इन लेक्चर्स को इनका मैं एक वीडियो फॉर्म करूंगा, जिनके मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। और यही क्वेश्चन जो थे, जो कि पिछले सालों में CSIR नेट में आए हुए, और सेलामेंडर लिम्ब रीजनरेशन CSIR नेट का एक अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते ही है। तो आप ये सारी चीज़ें अगर समझ गए होगे, तो उन क्वेश्चंस को आप आसानी से कर पाओगे, है ना। तो थैंक यू।